नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में स्मार्ट और प्रभावी तरीकों के जरिए आम लोगों को कई सुविधाएं देने का अभियान चल रहा है। इसमें से एक प्रमुख अभियान है बिजली का स्मार्ट प्रीपेड मीटर। स्मार्ट मीटर को बिहार के हर घर में लगाने की योजना है। शुरुआती समय में शहरों के अपार्टमेंट में इसे लगाने का अभियान छिड़ा था, जिसके बाद घरों में भी ये मीटर लगाए जा रहे हैं। हालांकि बिजली उपभोक्ताओं को यहाँ भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा है। कई उपभोक्ता स्मार्ट मीटर नहीं भी लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि मीटर में जंपिंग रीडिंग की समस्या है, यानी वे बिजली का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं और फिर भी उनका बैलेंस कट जाता है। यही कारण है कि घरों में स्मार्ट मीटर लगाने की रफ्तार सुस्ती से चल रही है और स्मार्ट मीटर लगवाने में उपभोक्ता भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे में अब बिजली विवरण कंपनी पेसू ने लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए नया फैसला लिया है। फैसले के मुताबिक अब नए इंस्टॉलेशन में स्मार्ट मीटरों को घर के अंदर नहीं बल्कि बाहर लगाया जाएगा। इसके लिए कंपनी ने सभी मीटर एजेंसियों को गाइडलाइंस जारी कर दिया है। मीटर लगाने वाली एजेंसी जिन इंजीनियरों को आपके घरों में स्मार्ट मीटर लगाने भेजेंगी, वो उसे घर से बाहर सुरक्षा के साथ सेट कर देगी। ऐसा करने के पीछे बिजली कंपनियों का एक तर्क है। कंपनी का मानना है कि नेटवर्क के कारण ऐसी गड़बड़ियां हो जाती है। उनका कहना है कि घरों के अंदर कहीं ना कहीं नेटवर्क कमजोर होता है। इन्हें अंदर सेट करने की वजह से कई बार नेटवर्क की समस्या होती थी, जिससे रिचार्ज के बाद भी बिजली देर से आती थी। ऐसे में बाहर में मीटर को लगाने के बाद अच्छा नेटवर्क पकड़ने के कारण यह समस्या दूर हो सकती है। इसके अलावे अब स्मार्ट मीटर में BSNL सिम के साथ ही जियो का भी सिम लगाया जा रहा है, जिससे नेटवर्क के लिए दो विकल्प मिल जाएंगे। अभी फिलहाल BSNL सिम का इस्तेमाल ही होता था, लेकिन अब नए स्मार्ट मीटरों में जियो 4G के फास्ट नेटवर्क का इस्तेमाल कर पाएंगे। बिजली कंपनी के मुताबिक अगले साल 2022 तक पटना में सभी जगह ये नए स्मार्ट मीटर लगा दिए जाएंगे। साथ ही साथ राज्य के अन्य जिलों में भी रफ्तार के साथ इस अभियान को चलाया जाएगा। आपको बताते चले कि आप अगर प्रीपेड मीटर को लगवाने को टाल रहे हैं तो आप कई मायनों में नुकसान झेल सकते हैं, क्योंकि पहले की मीटर की अपेक्षा स्मार्ट मीटर लगवाना काफी फायदेमंद है। प्रीपेड मीटर लगने से पैसे के हिसाब से उपभोक्ता बिजली जलाएंगे, ऐसे में कोई अवैध रूप से कनेक्शन नहीं ले सकेगा और बिजली की चोरी बंद हो जाएगी। साथ ही मीटर रीडरों को रुपए वसूली के लिए आपके घर आना जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐप से ही आपको अपनी खपत की एक एक मिनट की जानकारी मिल जाएगी। साथ ही पेमेंट भी ऑनलाइन मोड में होगा। इस मीटर की खास बात यह है कि अगर आपको घर से बाहर जाना है तो आपको बिजली खपत का कोई टेंशन नहीं होगा। मीटर बंद करके कहीं तीर्थ धाम या फिर बाहर जा सकते हैं। नॉर्मल मीटर हमेशा चलता रहता है और उपभोक्ताओं की जेब प्रतिदिन कटती रहती है, लेकिन प्रीपेड स्मार्ट मीटर को बंद कर देंगे तो कोई बिजली का बिल नहीं उठेगा। बिजली विभाग ने वैसे बूढ़े बुजुर्ग या फिर अनपढ़ के लिए भी बिजली रिचार्ज कराने की व्यवस्था की है, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। ऐसे लोगों के लिए ऑरेंज पे नामक एजेंसी के कर्मी घर जाकर बिजली का रिचार्ज अपने मोबाइल से कर देंगे या फिर उनके पास मोबाइल होने पर उससे ही रिचार्ज कर देंगे। इसके लिए शीघ्र एजेंसी का नंबर जारी किया जाएगा, जिसके बाद राज्य के हर जिले में कर्मी बहाल किए जाएंगे। तो आज के इसी वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।